आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर कथक के एक बहुत बड़े नाम को, शाश्वती सेन जी को, जिनके कथक में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है उनकी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े होना, और साथ ही साथ उनका जो नृत्य का जो अभिनय का जो हिस्सा है जो वो बहुत सशक्त माना जाता है, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। शाश्वती दी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि आपकी जो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, आपको बिरजू महाराज जी से जो लंबी आपकी एक यात्रा है उनके साथ जुड़े रहने की, ये यात्रा शुरू कैसे हुई थी, कैसे शुरू हुआ था ये सफ़र जहाँ पर आप इस नृत्य से जुड़ी? मेरी ज़िंदगी में नृत्य संगीत का ऐसे प्रवेश हुआ जैसे कि एकदम अनजाने में। हमारे परिवार में सब लोग डॉक्टर्स, संगीत नृत्य से दूर दूर से किसी का ताल्लुक नहीं था। यूँ तो बंगाल में नृत्य संगीत बहुत समृद्ध रहा है, पर मेरे पिताजी पहले मिलिट्री में थे, वहाँ भी डॉक्टर थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद मैं जब 5-6 महीने की थी तब से दिल्ली आ गए, तो वो बंगाल का भी वो माहौल नहीं मिला, और मिलिट्री और डॉक्टर और पूरा परिवार सब सर्जन्स एंड डॉक्टर्स, तो ये तो ईश्वर ने शायद एक रास्ता बना दिया था। जब मैं 6-6.5 साल की थी तो हमारे यहीं दिल्ली में मिंटो रोड के पास घर, जहाँ हमारा था उसके बहुत नज़दीक भारतीय कला केंद्र एक संस्था जो थी उन दिनों दिल्ली में, एक वन ऑफ द बेस्ट, तो वहाँ पे किसी ने देखा सुना होगा, तो मैं ऐसे ही शौकिया घर पे नाचती थी जैसे हर बच्चा नाचता है, तो पड़ोसियों ने मम्मी को बताया कि इसमें टैलेंट दिखता है, आप क्यों नहीं भेजती हैं यहाँ सीखने के लिए। तो उन्होंने भी, चलो बच्चा शाम को इधर उधर घूमता है फालतू में, इससे अच्छा है कुछ कर ले। तो बस वही नेबर्स के कहने से मम्मी मुझको वहाँ ले गई थी, और वहाँ पे रेबा विद्यार्थी जी, मेरी पहली गुरु, जो आज आशीष विद्यार्थी के माँ के रूप में भी पहचानी जाती है, उनकी भी ये पहली पोस्टिंग एक तरह से प्रॉपरली थी, और छोटे में मैं थी बंगाल से आई हुई, तो उन्होंने मुझको एक सैम्पलर की तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की, और मैं भी उनसे बहुत दिल से जुड़ी हुई थी मेरी बड़ी बहन की तरह से, तो खूब उन्होंने मेरे को मन से सिखाया, और आई वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक अ गिनी पिग फॉर हर टू गिव हर दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग। तो वहाँ से फिर भी था तो वो हॉबी ही, और करीब 6-7 साल तो उनके पास सीखी मैं। उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला, और नेशनल स्कॉलरशिप के तहत ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम किसी घराने से जुड़े, घरानेदार गुरु के पास प्रोफेशनली उसको प्रॉपरली एक फुल टाइम रूप में सीखे। और उन्हीं दिनों मुझे प्री मेडिकल के लिए, मैं पढ़ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्री मेडिकल तो यही किया, मेडिकल के लिए मुझे यहाँ दोनों अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिला, तो मैं अलीगढ़ चली गई थी हमारे फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, वहाँ जाके पढ़ रही थी। सेम ईयर था, तो बहुत दुख में थे हमारे पिताजी माताजी भी कि मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पा रही थी, मैं बहुत दुखी थी कि मेरा डांस बंद हो जा रहा था। तो समहाउ आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन मेडिसिन, और घर से दूर रह के बहुत मेरी तबीयत भी ख़राब रही, बहुत हम होम बाउंड, बहुत घरेलू, तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं हो रहा था। बहुत पापा को रिक्वेस्ट किए कि मेरी ये मेडिकल की पढ़ाई छुड़वा दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं घर वापस आके जो भी साइंस तो मेरा सब्जेक्ट था ही, हमको कुछ और करने दीजिए, मेरा नाच भी बंद हो गया। फिर जब मैं लौट के आई, बस कुछ थोड़ा सा रोका था उन लोगों ने स्कॉलरशिप, देन आई वॉज ब्रॉट टू महाराज जी, रेवा दीदी ही लेके गई थी महाराज जी के पास, और बहुत अजब सी बात थी कि मैं महाराज जी को दूर दूर से देखती थी और बहुत डरती थी, और महाराज जी, प्रताप भाई, तीरथ भाई, ये लोग उसी कैंपस में, महाराज जी का घर भी था यहीं माता सुंदरी रोड पे, और शायद वो लोग मेरे को कई सालों से आते जाते देखते थे, बंगाल की हूँ और एक लगन उनको दिखती होगी, तो शायद मेरे बारे में बात करते होंगे, जो कि बाद में महाराज जी ने मुझे रियली खुलासा किया, पर मुझे बहुत गलत फीलिंग होती थी, और मैं वो एक टीनेज का था ना कि कुछ लड़के लोग बैठ के हमारे बारे में बात करते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, गॉसिप करते हैं, और मैं अक्सर महाराज जी
को ना पहचानते हुए रेवादी से अपनी माँ से कहती थी कि पता नहीं कैसे चार पांच लड़के बैठे रहते हैं, महाराज जी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। रेवा दीदी भी कहती थी अच्छा उन लोगों से बात मत किया करो, कौन है वो, बाहर निकलती थी। शी नेवर रियलाइज्ड कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट महाराज जी। फिर जब वो मुझे महाराज जी के पास सीखने के लिए ले गई, तब तो मेरा बिल्कुल एकदम घबराहट में, मैंने कहा दीदी यही तो है उन सब के लीडर जो बहुत हमारे बारे में कुछ कुछ बोलते थे, हम नहीं सीखेंगे इनके पास। महाराज जी अभी यहाँ है और वो डर मेरे दिल से निकलने में 3-4 महीना लगा। फिर महाराज जी ने एक बार दो एक महीना या एक महीने बाद खूब गुस्से में कहा कि तुमको सीखना है तो सीखो, नहीं तो यहाँ आके नाटक मत करो और मुंह मत बनाओ। और मैं महाराज जी को देख के मेरे आँखों में आंसू आता था, इतनी मैं पता नहीं क्यों डर गई थी। फिर 1-2-3 महीने तो मैं मुझे बिठा के रखा, ना मैं सीखती थी ना महाराज जी हमको देखते थे। सुरामा गंधारियास उन दिनों महाराज जी के पास उरुग्वे की थी, वो सीखती थी शाम को, क्योंकि वो हम भी कॉलेज से आते थे और वो भी एम्बेसी से आती थी, तो वो मुझे बहुत उत्साहित करती थी। मैं जरा कॉन्वेंट पढ़ी हुई इसलिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में अच्छा रहता था उनको भी, तो वो कहती थी व्हाई आर यू सो सिली, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ही इज सच अ ग्रेट मास्टर, तुम देखती नहीं हो कितना सुंदर सिखाते। तब 1-2 महीने से मैं बैठ के देखती थी, याद तो मुझे होता था, और मैं बहुत रिपेंट करने लगी कि मैं इतना अच्छा तालीम को मैं नहीं ले रही हूँ, मेरी मूर्खता है। तो 2-3 महीने बाद फिर मैं महाराज जी के पास बहुत क्षमा मांगने के लिए गई। मैंने कहा, महाराज जी बोले देख लो सोच लो, तुमको सीखना है तो फिर सीखो और नहीं तो मेरे यहाँ आके तुम डरने की भी कोई बात नहीं है। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक बार जब हम आए तब तक तो मैं चार्ज हो गई थी कि मैं 3 महीने से देख रही हूँ अच्छा काम और सीख नहीं रही हूँ। तो बहुत मन से मैंने भी सीखना शुरू किया और महाराज जी ने भी बहुत जतन से, और आज समझे कि 47-48 साल हो गए महाराज जी के साथ। और वो सीखना तो कुछ क्या हुआ पता नहीं, कुछ आधा भी नहीं सीख पाए हम, पर वो प्यास जो शुरू वाले दिन से अभी तक वो प्यास ज़रूर बनी हुई है कि ईश्वर करे और भी 40 साल निकल जाएंगे तब भी शायद पूरा। ये तो पहली बात तो ये विद्या ही मैंने उसकी कोई सीमा पारंपार नहीं है, और मेरे गुरु ऐसे हैं कि जिनसे कोई भी शाखा में कोई भी विधा में, क्या वो संगीत क्या वो नृत्य क्या वो बजाना वाद्य क्या साहित्य क्या हर चीज़ में वो इतने संपूर्ण हैं कि कब तक इंसान एक ज़िंदगी में उनको उनसे सीख पाना असंभव है। तो पर हाँ, उनके साथ कुछ वर्षों तक तो प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग हुई, फिर कथक केंद्र उसकी उन्हीं दिनों कथक केंद्र एक अलग शाखा बनी, पहले भारतीय कला केंद्र के अंडर था, फिर गवर्नमेंट ने संगीत नाटक एकेडमी ने ले लिया, तो कथक पूरी तरह से एक अलग शैली का हो गया। और फिर हमें रेपर्टरी में हम काम भी करने लगे कथक केंद्र में, महाराज जी उस यूनिट के डायरेक्टर थे, हम लोग सब डांस ड्रामास कोरियोग्राफीज बहुत, तो वो भी वो अध्याय भी हमने सीखा कैसे। महाराज जी म्यूज़िक भी स्वयं कंपोज करते थे, महाराज जी तो वन मैन शो, लिखना भी उनका, स्क्रिप्टिंग भी उनका, म्यूज़िक भी उनका, डांस भी उनका, और जहाँ जहाँ वो स्वयं पात्र रूप में करते थे। तो और आज भी वही सिलसिला है कि महाराज जी जो एक काम लेते हैं तो उसको तो पूर्ण रूप से महाराज जी, इवन फॉर फिल्म्स व्हेन ही डज, देवदास हुआ, शतरंज के खिलाड़ी जिसमें मैं नाची थी, सत्यजीत दादा की फिल्म, तो म्यूज़िक भी महाराज जी का, चयन भी महाराज जी ने अपने बाबा की ठुमरियाँ की, गाए भी वो स्वयं, नृत्य निर्देशन भी। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे हर विधा में इतने संपूर्ण, हमें तो नहीं मालूम कि ऐसे लोग हैं और भी। सो ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम उस तरह से सीख सकें और हमारी वो ललक कभी ना ख़त्म हो और गुरु के साए में हम सीखते चले जाएं। नाचते हैं जो थोड़ा मोड़ा नाचते हैं, पर सीखने का आनंद कुछ और ही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें।
इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।